ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृता नारायणं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं नमोऽयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भगवती नष्टिके श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद दशम अध्याय श्लोक संख्या 23। सभी उच्चारण करना मेरे पीछे पीछे। सवायं जत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जित मातरिश्वना पश्यन्ति भक्तुत्कलितामलात्मना सत्तं परिमाष्टुमर्हति हरे कृष्ण प्रभु जी। तो वा अयम यद पद मात्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जित मात्र ईश्वर पश्यन्ति भक्त्युत्कलिता मलात्मना अन्वेष सत्त्वं परिमास्तुमर्हति हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सा वा अयं यत् पदमात्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जित मात्र वीरिश्वना पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्त्वं परिमाष्टुमर्हति महर्ति सवायं तत् पद्मत्र सूर्यो जितेन्द्रिय निर्जातं मात्रीश्वन पश्यन्ति भक्तु कलितामलात्मना नन्वेष सत्त्व परिमामहर्ति हरे कृष्ण प्रभु जी। स वा अयं यत् पदमत्र सूरयो
जितेन्द्रिया निर्जित मात्री स्वनः शीतल पश्यन्ति पश्यन्ति भक्तु कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमाष्टुमर्हति नन्वेष सत्वं परिमाष्टुमर्हति। माता जी के पता ना क्या गड़बड़ हो जाता है, अब तो कोई नहीं है। किसको बुला रहे थे माता? नेहा माता जी बोल पड़िए। किसको बुला रहे थे ममता माता जी? जी मेरा स्क्रीन पर से थोड़ा सा टच खत्म हो गया था, नहीं आ रहा था फोटो, तो भतीजी को बुलाया ठीक करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। आप लोग क्षमा नहीं मांगना, मैं जब झाड़ूंगा तो चुपचाप रहना, क्षमा मांगने से मुझे गिल्टी फील नहीं, ठीक है? क्षमा मांगने से मुझे मेरा अपराध होगा, क्षमा नहीं मांगना है। मैं जब कुछ बोलूंगा चुपचाप रहना बस, गीता माता जी की तरह। चलिए अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण, ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्हें सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। हरे कृष्ण तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान केवल भक्तिमय सेवा द्वारा अपने वास्तविक रूप में आने जाने जा सकते हैं। अतः यहाँ पर बताया गया है कि केवल महान भक्त भगवत भक्त जो कठिन भक्तिमय सेवा द्वारा मन के सारे भौतिक मैल को धो सकते हैं, वे ही भगवान को यथारूप अनुभव कर सकते हैं। जितेंद्र का अर्थ है इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखने वाला। इंद्रियां शरीर की सक्रिय अंग है और उनके कार्यों को रोक पाना संभव नहीं। इंद्रियों को निष्क्रिय बनाने के लिए योग के कृत्रिम साधन सर्वथा निष्फल सिद्ध हुए हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र मुनि जैसे महान योगी सरीके के प्रसंग में भी विश्वामित्र मुनि ने यौगिक समाधि के द्वारा इंद्रियों को वश में कर रखा था, किंतु जब उनकी भेंट मेनका स्वर्ग की अप्सरा से हो गई तो वे काम के शिकार हो गए और इंद्रियों को वश में करने की उनकी कृत्रिम विधि विफल हो गई। लेकिन शुद्ध भक्त के किस्से में ऐसा नहीं होता कि कृत्रिम साधन से इंद्रियों को कार्य करने में। हरे कृष्णा थोड़ा से ऊपर से। कार्य करने से रोका जाए, अभी तो उन्हें अन्य अच्छे कार्यों में व्यस्त रखा जाता है। जब इंद्रिया अधिक आकर्षक कार्यों में लग जाती है तो किन्हीं निकृष्ट कार्यों के प्रति उनके उन्मुख होने की संभावना नहीं रह जाती। भगवद गीता में कहा गया है कि इंद्रियों को अच्छे कार्य में लगाने के ही द्वारा ही वश में रखा जा सकता है। भक्ति की अनिवार्यता है कि इंद्रियों को विमल किया जाए या भक्ति में सेवा में लगाया जाए। भक्ति का अर्थ निष्क्रिय नहीं है। भगवान की सेवा में जो कुछ भी किया जाता है वह उनकी भौतिक प्रकृति से तुरंत ही पवित्र हो जाता है। भौतिक धारणा अज्ञान के कारण ही है, वासुदेव के परे कुछ भी नहीं है। ग्रहणशील इंद्रियों के दीर्घकालीन अभ्यास से ही विद्वान के हृदय में धीरे धीरे वासुदेव अनुभूति जागृत होती है। लेकिन वासुदेव ही सब कुछ है ऐसा स्वीकार करने का ज्ञान में ही इस विधि का समापन होता है। भक्तिमय सेवा में यही विधि शुरुआत से स्वीकार की जाती है और भगवत कृपा से अंतकरण में भगवान के आदेशों से सारे वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाता है। अतः भक्तिमय सेवा द्वारा इंद्रियों को वश में करना एकमात्र सरलतम साधन है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर भक्तगण श्रवण किए। श्रमण
सवर्ण वाले प्रभु चिलगुन खाना बंद कीजिए, पहले से डस्टबिन में थूकिए, बाथरूम में मुंह को परिष्कार करके बैठिए भागवतम क्लास में। सुनाई दिया कुछ? सावर्ण मल्लिक प्रभु हरे कृष्णा, पहले आपका मुंह में जो चिलगुम है उसको डस्टबिन में जाके, बाथरूम में जाके मुंह को कुरकुचा करके धोइए और उसके बाद आइए भागवतम के पास में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू लेने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले उपस्थित सभी माता और प्रभु जी के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज मेरा जन्मदिन है और सुबह सुबह से गीता माता जी रात 3:30 बजे से उठे हैं और बोले कि कब प्रभु जी को फोन करके बधाई दूं। तो माता जी के चरणों में, माँ के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो सबसे पहले हम एक एक करके भक्तों का थोड़ा सा आशीर्वाद लेंगे, फिर ओवरव्यू लेंगे। मेरे प्रति किसका जो प्यार स्नेह जो है अपनी तरफ से, अपनी अपनी, जैसे लक्ष्मी बोलते टूटी फूटी वाणी, लेकिन आप लोग का टूटी फूटी वाणी नहीं, अच्छी वाणी, अच्छी वाणी में बोलिए। मेरे विषय में क्या कुछ बोलना है बोलिए। हरे कृष्णा। दोष गुण क्रोध जो कुछ बोलना है बोलिए। आज आप लोगों का है क्लास मेरे प्रति। पहले सर्वप्रथम हमारे बेस्ट क्या बोलते हैं, नंद किशोरी माता जी प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। मेरे विषय में दोष गुण दोनों चर्चा कीजिए माता। जैसे गुरुदेव का व्यास पूजा होता है ना, तो आई एम नॉट ए गुरुदेव बट लाइक ए शिक्षा गुरु। तो ये भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है कि गुरुदेव के जन्मदिन के अवसर में कुछ बोला जाए, ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन नहीं, फिर भी आप लोग प्रेम से स्नेह से कुछ बोलिए। इतना दिन से क्लास करके क्या आपको शिक्षा मिला, कितना डांट मिला, कितना क्रोध करते, ये सब का जो भी है डिस्कशन बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अब हम क्या कहें, आप तो बहुत अच्छे क्लास देते हैं हम लोगों को। खैर डांटते हैं प्रभु जी तो मेरे लिए ही डांटते हैं, आप गुरु हैं आप डांटिएगा नहीं, कोई गलती होगा तो फिर हम लोग आध्यात्मिक जीवन में रह करके कैसे सुधारेंगे। आपको दिखाई नहीं दे रहा जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपका सिर्फ चश्मा दिखाई दे रहा है, कैसे करें जी। प्रभु जी तो वही कहते हैं प्रभु जी, हमारे हमारे तरफ से कोई मतलब ये नहीं है, आपको कृष्ण भगवान लंबी उम्र दें और आप इसी तरह हमेशा भगवत सुनाते रहिए, हम लोगों को क्लास करते रहिए और डांटते भी रहिए प्रभु जी, और जितना डांटना है डांटिए, और इसके लिए मेरे को कोई दुख नहीं है। जैसे कि डांट में ही प्रभु जी प्यार भी प्रेम भी होता है, तो उससे हमको कुछ नहीं है। और कृष्ण भगवान आपको भगवतम के लिए हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं, और आपको जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी और आपको आगे बढ़ाएं कि हम लोगों को आप ज्ञान देते रहें और हम लोग अपना भक्ति करते रहें, जहां गलती होती है वहां आप बताते रहें, डांटते रहें। और क्या कहें प्रभु जी, और तो और लोग भी कहेगा, क्लास तो भी प्रभु जी आप बहुत अच्छे से क्लास हम लोगों को पढ़ाते हैं, बताते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अब इसमें रह गया प्रभु जी कि अपना अपना स्मरण कितना है, कितना इस मस्तिष्क में घुसता है, ये बात है। आपके विषय में कोई कमी नहीं है प्रभु जी, और अपने अपने स्मरण शक्ति की दोष है ये कितना हम ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, और क्या कहें, मेरे तरफ से इतने ही है। तो गुस्सा नहीं आता कि प्रभु जी रोज रोज डांट खाने से बेहतर है क्लास ही ज्वाइन न करें, या माता खराब करना है, पैसा देना है, मंथली डोनेशन देना है, क्लास करना है, फिर और इतना डांट खाना है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यूट्यूब में कितना सुंदर सुंदर क्लास है, फीलिंग नहीं आता मन में ऐसा? नहीं प्रभु जी नहीं आता है। हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कहते हैं कि प्रभु जी फिर कुछ बोलने लगेंगे, फिर कुछ बोलेंगे, कोई बात नहीं, उससे कोई बात नहीं है, बोल खाने वाला काम करेंगे
तो बोली सुनेंगे ही, लेकिन आप इस मत सोचिए कि मतलब हमको आप डांट देते हैं तो माता जी के तकलीफ लगेगा, चाहे नंद किशोरी के तकलीफ लगेगा, ऐसा बात नहीं है। हम आपसे शिक्षा ले रहे हैं प्रभु जी ना, टीचर तो भी ऐसा ही करते थे, टीचर भी मारते थे हाथ निकलवा निकलवा, तो किस लिए मारते थे, मेरे लिए ना। लेकिन आजकल के टीचर लोग स्टूडेंट से बहुत डर के रहते हैं लोग, हम लोग तो झेल लिए हैं हाथ, ये हाथ निकालो तो ये हाथ निकालो तो ये हाथ निकालो, तो कभी पनिशमेंट देते थे, मुर्गा बनाते थे, कभी कुछ करते थे। तो आप तो प्रभु जी आप तो केवल डांटवे करते हैं, ये तो सजा नहीं मिलती है, डांटते ही है। हरे कृष्णा प्रभु, सामने रहते तो तब तो, अभी दूर है इसीलिए कोई चारा ही नहीं कि मारने का, इसीलिए जस्ट डांट दो। प्रभु जी वो भी स्वीकार है, सामने रहने में भी पिटा भी आदमी जाएगा वो भी स्वीकार है। कुछ ग्रहण करने के लिए कुछ तो प्रभु जी खोना तो पड़ता ही है, ऐसा बात नहीं है। माता जी दंडवत प्रणाम आपको, यही हमारी छोटा मोटा है, ये जो बोल रहे हैं तो यही छोटा मोटा है, हम तो उतना हमारे में अंदर में भक्ति नहीं है, लेकिन यही टूटा फूटा भाषा बोल देते हैं। चलिए बहुत सुंदर माता, आपके श्री चरणों में मेरा आपका जो चरण का जो धूल है ना वो मेरे मस्तक पर प्रणाम दीजिए। नहीं प्रभु जी क्यों पाप दे रहे हैं, ये मत बोलिए प्रभु जी, ये मत बोलिए, आप गुरु हैं प्रभु जी, शिक्षा दे रहे हैं ना, आपको ये ठीक नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है मेरे को। गुरु हो जब हम भागवतम क्लास देंगे, अभी तो बात कर रहे हैं, अभी कहां से गुरु, अभी तो आपका छोटा बच्चा की तरह, ठीक है। नहीं तो ऐसा मत कीजिए, वैसा बात नहीं, ठीक है। तो जब जाएंगे बोकर थोड़ा चरण धूले से छिटका देना पाउडर की तरह। ठीक है माता, तो चलिए इसके बाद हमारे जो आज का नहीं मेरी प्यारी माँ गीता माता से प्रार्थना करेंगे, अनुरोध करेंगे कि वो मेरे विषय में कुछ गलती दोष निकाले, कितना डांटता हूँ, कितना क्रोध करता हूँ, या जो जो है थोड़ा बहुत बोलने का कृपा करें। पूरा गुस्सा भी बोलना है, गुण भी बोलना है, दोष भी बोलना है, सब कुछ बोलना है आज वही दिन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि आप मुझे माता रूप में ग्रहण किए हैं, जो सबसे बड़ा पद है वो मेरे लिए। आप मेरे शिक्षा गुरु है, इतना कुछ भी जो ग्रहण कर रही हूँ, एक BSNL में काम करती थी उसकी वजह से आज ये लाइन जुड़ा हुआ है। आप जब ब्रह्मचारी थे उस समय आप मतलब दर दर भटकते थे पुस्तक वितरण करने के लिए, इतना मेहनत करते थे, थके हारे मेरे पास आए थे आप उस समय शाम को, मुझे तो आपके ऊपर देख के बहुत दया आई थी, बेचारा बच्चा इतना थका हुआ है। नहीं इनसे तो किताब लेना ही है, मन में अंदर से जागृति हुई थी, हो सकता है कृष्ण ने प्रेरणा दी होगी मुझे, तो इसलिए मैंने उस समय आपसे बिना कुछ आपने कुछ ज्यादा बोला भी नहीं मैंने तो ले लिया था बुक, और आगे और भी मेरे जितने कलीग्स थे उन लोगों को भी मैंने बोला आप लोग भी ले लीजिए कि कितना कम से कम 200-200 का ही सही, तो वो लोग ने भी कई लोगों ने लिया, तो उस एक मतलब वो मेरे जिंदगी को बदल दिया। आज आपने मेरा मोबाइल नंबर लिए थे जिसकी वजह से आपने मुझे ऑनलाइन में ज्वाइन कराया, अब ऑनलाइन में ज्वाइन कराने के ऑनलाइन में इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आते थे, वो मैसेजेस मुझे इतने अच्छे लगते थे, और तो बाकी सब तो फालतू आते थे पिक्चर के वो ये मतलब चुटकुले वगैरह थे, लेकिन ये जो ऑनलाइन में जितने हमारे भक्त लोग हैं इतने सुंदर सुंदर ये भेजते थे मैसेजेस, तो उस मैसेजेस को मैं अपनी फ्रेंड्स लोगों को भेजती थी, फॉरवर्ड करती थी, तो वो लोग बोलते थे वो कहाँ से इतना अच्छा अच्छा मैसेजेस मिलते हैं, ऑनलाइन करके एक ग्रुप है, ऑनलाइन नहीं था उससे मैं कृष्ण भक्त ग्रुप, कृष्ण भक्त हाँ ऐसा कृष्ण वो था, तो फिर मैं उसके बाद फिर आप मुझे मिले, जैसे मैंने VR ले लिया था,
वीआर लिए तो मैं तो देखते रहते थे यूट्यूब में कोई भी अच्छा चीज, तो उसमें आपके इसमें आया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट भागवतम पढ़ा रहे हैं करके, फ्री ऑफ पढ़ाएंगे हाँ ऐसे करके लिखा था, फ्री ऑफ कॉस्ट करके ऐसे लिखा था ऑनलाइन उसमें कोई ये चार नो चार्जेबल ऐसा करके कुछ तो वर्ड था उसमें, तो मैंने बोला अरे वाह ये तो बढ़िया है तो मैंने ज्वाइन किया ऐसे ही कैशुअली ज्वाइन किया, और ज्वाइन किया और आपसे बात हुई और आप पूछे आप कैसे आए, तो मुझे तो मालूम नहीं आपका तो रूप ही बदल गया था, वैसे बोलते हैं ना मनुष्य का रूप हर एक स्टेज में बदलता है, आप उसे में एकदम ही छोटे ब्रह्मचारी थे ना एकदम पतले दुबले थे, आपको तो मैं पहचानी नहीं लेकिन आप मुझे पहचान लिए, फिर आपने एक एक ये वाक्य बताया नहीं आपने ऐसे किए वैसे किए तो मुझे समझ में आ गया हाँ ये वो बालक जो आया था मेरे पास वो आप ही है, वहां से मेरा बच्चा को मार नहीं पाता क्योंकि बच्चा छोटे से बड़ा होता है लेकिन माँ तो मार रहती है ना इसीलिए उसको हाँ। वही मेरी लाइफ की टर्निंग पॉइंट थी ये भागवत क्लास, जैसे भागवत क्लास शुरू की मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था नथिंग, मुझे कुछ जानना ही है जानना ही ऐसी इच्छा रहा प्रबल इच्छा जागृत होती रहती थी, तो आपका क्लास ज्वाइन करने के बाद पता चला भागवत क्या है भगवत गीता क्या है उसको पढ़ना कैसा है किस तरीके से एक एक श्लोक को पढ़ा जाता है हर चीज का नॉलेज, अभी भी कुछ नहीं हुआ सागर में एक बूंद भी नहीं हुआ फिर भी कुछ तो गाड़ी आगे बढ़ी है, तो आगे तो आपका उज्ज्वल भविष्य रहे आप स्वस्थ रहे सुंदर आपका पूरा क्लास चलता रहे, डांट जो बोल रहे वो तो स्वाभाविक है गलती करेंगे तो कोई भी वो डांटेंगे, तो आप हमारे शिक्षा गुरु है आप मुझे माताजी बोलते उसके लिए पता नहीं मैंने कौन सा जन्म का पुण्य है जो आप मुझे माताजी बोलते हैं मुझे ये पदवी मुझे दिए इसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत, खुश रहो और क्लास चलाते रहो सबको लेते हुए, ज्यादा मत डांटिएगा थोड़ा सा डांटिएगा हरे कृष्णा हम तो डांट मैं तो बहुत ज्यादा ही डांटता हूँ क्योंकि मैं एक परीक्षा का सहन शक्ति देखता हूँ कि कितना दूर तक सहन कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा डांट देता हूँ, अगर वो सहने की शक्ति है तो रहेगा सहने की शक्ति नहीं है तो चला जाएगा, इसीलिए कभी कभी ज्यादा डांटते और कभी कभी प्रेम करते। हरे कृष्णा प्रभु जी एक बात और कहना चाह रहे हैं प्रभु जी हम लोगों को डांट दीजिए लेकिन माता जी को मत डांटिएगा। oh मत डांटिएगा हम लोगों को डांट दीजिए। मेरे मुंह क्या बात बोल रही है मेरा बोल रही है क्या कौन माता जी को माता जी बैठी हुई है साथ में बैठी हुई है लक्ष्मी माता जी लक्ष्मी देवी दास दासी माता जी उनको मत डांटिएगा जी। बंद करो इधर आओ। अच्छा लेकिन ये तो बहुत डांट खाती है हर स्टेप में डांट खाती है इसलिए हंसी आ रही है। मैं तो सब समय साथ में रहती हूँ तो मुझे कितना आशीर्वाद मिलता होगा। कल रात को 9:30-10 बजे तक भी डांट हुआ था ठीक है रोज होता है एक दो बार होता है, डांट नहीं खाने से तो सुधरेंगे नहीं ना कोई भी नहीं सुधरेगा, इस संसार में हर कोई बद्ध है, बद्ध को मुक्त बनाने के लिए सोने की खान को सोना का अलंकार देने के लिए उसको पीटना पड़ता है, चाहे ये माताजी हो या आप लोग माताजी, डांट तो खाना ही होगा आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए मैं सोचा कि गीता माताजी को नहीं डांटे हम सबको डांटी मैं ये सोच रहा था ठीक है बहुत सुंदर। तो कुछ दोष नहीं बताए हमारी माता कम डांटिएगा बोले ना क्या थोड़ा कम डांटी लेकिन थोड़ा कम डांटिएगा पीरियड ऑफ डांटना थोड़ा कम कर दीजिएगा, आप गुस्सा हो जाए तो खूब लंबी हो जाता है आपका डांटने का पीरियड क्या क्या डांटने का जो पीरियड होता है ना लंबी हो जाता है तो फिर ना अपना क्लास छोटा शॉर्ट हो जाता है तो इसीलिए भक्तों से निवेदन है कि अपना गलती को थोड़ा कम करना है ताकि डांट का कोई प्रश्न ही ना ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम अनुरोध करेंगे हमारे
किसको बोलेंगे? अभी तो एक मिनट तो समय है, दूसरा वर्ण में जुड़ जाते हैं। हाँ फिर एक एक करके ले लेते हैं। अच्छा इसके बाद बोलेंगे हमारे प्राण मोहन प्रभु जी। मिट्टी